करो मुझे दूर से छोड़ के गए मिल जाएंगे तो क्या करोगी ये बताओ। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट किया और हजारों लाखों इंसान आते हैं मेरे पास, उनके उनकी दवाई दे रही हूँ, उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ये भी तो खुद ही है। सुनो मुझे देख के क्या लगता है तुम्हें, मैं खुश हूँ? मुझे बहुत हंसी आ रही है।
बात से कि आंटी को मैं खुश लग रही हूँ। तो गाइस मैं यहाँ सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरी हर वीडियो को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे शेयर किया कीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो मेरी जिंदगी जो मेरी जिंदगी में चल रहा है इसमें पर्सनल मैटर, ठीक है, मैं पर्सनल मैटर को कभी भी प्रोफेशनल मैटर में मिक्स नहीं करती। जब मैं प्रोफेशनली कहीं बैठती हूँ तो मैं बहुत खुश मिजाजी से बैठती हूँ और मेरे काम पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि हमको अगर जब किसी को खुशियाँ देनी है, निरोगी काया देनी है, तो हमें खुद को खुश रहना पड़ेगा। तो मुझे ना आंटी की इस बात पे बहुत हंसी आ रही है और बहुत खुशी भी हो रही है कि उन्होंने कहा कि आपको किस चीज़ की कमी है। मेरा दिल जानता है या मेरी ऑडियंस जानती है, मेरे चैनल जानता है कि मुझे किस चीज़ की कमी है। तो आज का दिन बहुत ब्लेसिंग गुजर रहा है क्योंकि अभी दूसरी जो मेरी पेशेंट है वो कल बागेश्वर धाम में जा रही है। तो मैं उनसे भी कहूँगी कि मेरी भी अर्जी लगाते हैं क्योंकि बागेश्वर धाम एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ सबकी सुनवाई होती है, सबकी जिंदगियों के पर्चे लिखे जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो मैं भी बागेश्वर धाम में अपनी अर्जी लगाऊंगी। और एक चीज़ हमेशा गाइस आप मेरी याद रखिएगा, समय कैसा भी हो, समय कुछ ना कुछ हमें अच्छा दे के जाता है, अच्छा सिखा के जाता है। तो मेरे साथ भी ये समय चल रहा है, पता है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना सिखा रहा है और हर मुश्किल में हंसना सिखा रहा है कि कैसे हंसते हंसते सारे प्रॉब्लम्स को पार करते हैं और सत्यता के लिए कैसे जंग लड़ी जाती है। और मेरे ससुर और मेरे पति को कोर्ट केस खेलना बहुत पसंद है, तो उन्होंने जो जाल बुना है ना उसमें मैं आज पूरे सोशल मीडिया पे कह रही हूँ कि ये लोग खुद फंसेंगे। और रही बात जो भी मेरे मतलब रिलेटिव्स हैं मेरे वीडियोस पे गलत कमेंट्स करते हैं, तो करने दीजिए, मेरे को नहीं लगता कि इनसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रही बात जो जिसके लिए खाई खोदेगा ना वो उस खाई में खुद गिरेगा। देखो मुझे बर्बाद करने के चक्कर में कुंदन फैमिली खुद पूरी बर्बाद हो गई, उन्होंने अपना घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है ना। और एक दिन देखना वो दिन भी दूर नहीं है जहाँ इनको अपने आप को भी बेचना पड़ेगा। क्योंकि जब भगवान की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती, और मेरी तरफ से मेरे पक्ष में हमेशा भगवान ही लड़ता है, हमेशा मेरा प्रोटेक्शन भगवान ने ही किया है और आगे भगवान ही करेगा प्रोटेक्शन मेरा। और पूरा दिन मेरा मुझे लगता है आज सुबह से जब से मैं उठी हूँ, मैंने घर की सफाई करी, मम्मी को अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बना के खिलाया, तब से मेरी ब्लेसिंग डे गुजर रहा है। तो खुशी वापस आने लगी है, शाम को मैं कहीं एक नई जगह पे जाऊंगी तो वहाँ की ब्लॉगिंग मैं अलग से डालूंगी आप लोगों के लिए, तो उसे भी देखिएगा। और हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जब लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। और मेरे जैसी न जाने कितनी माताएँ कितनी बहन हैं जो अकेले अपनी जिंदगी को अपने बच्चों पे कुर्बान कर रही हैं, उनके लिए जी रही हैं। तो अकेलापन ऐसा नहीं है कि हमें खा जाएगा या हमें मार डालेगा। मुझे लगता है अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दृढ़ बनाता है, उसकी सोच को दृढ़ बनाता है और उसे दूसरों को खुशियाँ देने की एक राह दिखाता है। क्योंकि ये जिंदगी तो देखो ऐसे ही निकल जाएगी, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को मैं अपने द्वारा खुशी दूँ, मेरी जितनी हैसियत है मैं उसके द्वारा डोनेशन कर दूँ, लोगों में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँ। और डोनेशन क्या, मैं अपनी सेवाएं ही डोनेशन के रूप में प्रदान करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं अपनी सेवाएं ही प्रदान करूँ। तो अपना घर से तो खैर मैं पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, और भी नए नए NGOs हैं मैं जिनके साथ जुड़ूँगी, जिनके साथ काम करूँगी। गाइस बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मुझे, अपने आशीर्वाद को आप लोग हमेशा बनाए रखना, मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और कुकू को भी आप लोग बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरे बच्चे के साथ आप लोग खड़े हैं, जो उसका खुद का सगा पता ना खड़ा हो पाया आप लोग खड़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं थैंक यू कहूँगी। और मानसी ब्लॉग को गाइस हमेशा अपने दिल में रखना और हमेशा हमें सम्मान देना और प्यार देना, बस यही गुजारिश है आप लोगों से, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ अकाउंट नंबर बताओ, प्लीज़ ये बताओ, तो मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब डोनेशन है, यही मेरे लिए सबसे
संभाल रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, बस मेरे लिए और मेरे दुश्मनों के लिए ये सबसे बड़ा तमाचा है कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं आज खुश से बैठी हूँ, खुशी इंजॉय कर रही हूँ अपने लोगों के साथ। दुआएं अपनी मतलब हमेशा लोगों के साथ बना के रखती हूँ, लोग मुझ पर दुआएं बना के रखते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉगिंग को आज ख़त्म करती हूँ। कुछ क्लिपिंग्स होंगी घर की, वो मैं अगर मन हुआ डालना चाहा तो मैं डाल दूँगी, पर आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मेरी वीडियो को हमेशा अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। और बहुत सारे लोग हमेशा अपनी पूजा में मेरे लिए भी प्रेयर करते हैं, उनको थैंक यू कहूँगी, मुझे इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, उनकी भी सभी मनोकामना उनको भी भगवान धन धान्य से उनका घर भरे, खुशियों से भरे। और कई लेडीज़ हमेशा कुछ ऐसा बच्चा चाहती हैं।